परमेश्वर के दैनिक वचन। अंतिम दिनों का मसीह जीवन लेकर आया और सत्य का स्थाई एवं अनंत मार्ग प्रदान किया। इसी सत्य के मार्ग के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंतिम दिनों के मसीह के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास के कठपुतली और कैदी हो। जो लोग नियमों संदेशों के नियंत्रण में हैं और इतिहास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वे कभी भी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कभी भी सतत जीवन के मार्ग को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सिंहासन से प्रवाहित जीवन जल की अपेक्षा उनके भीतर मैला पानी भरा है जो हजारों सालों से वहीं ठहरा हुआ है। जिनके पास जीवन का जल नहीं है वे हमेशा के लिए एक लाश, शैतान के खेलने की वस्तु और नरक की संतान बन जाएंगे। फिर वे परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? यदि तुम केवल अतीत को पकड़े रहने की कोशिश करोगे, केवल ठहरी हुई चीजों को पकड़ने की कोशिश में लगे रहोगे और यथास्थिति को बदलने और इतिहास को तिलांजलि देने की कोशिश नहीं करोगे, तो क्या तुम हमेशा परमेश्वर के विरोध में नहीं रहोगे? परमेश्वर के कार्य के चरण बहुत ही विशाल और सामर्थी हैं, जैसे कि हिलोरे मारती हुई लहरें और गरजता हुआ तूफान। फिर भी तुम बैठकर निष्क्रियता से विनाश का इंतजार करते हो, अपनी ही मूर्खता से चिपके रहते हो और कुछ भी नहीं करते। इस प्रकार से तुम्हें मेमने का अनुसरण करने वाले के रूप में कैसे देखा जा सकता है और तुम इस बात को कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हो कि तुम उस परमेश्वर पर निर्भर रहोगे जो हमेशा नया है और कभी पुराना नहीं होता? तुम्हारी पीली पड़ चुकी किताब के वचन तुम्हें नए युग में कैसे ले जा सकते हैं? वे कैसे तुम्हें परमेश्वर के चरणबद्ध तरीके से चलने वाले कार्यों तक लेकर जाएंगे? वे तुम्हें कैसे स्वर्ग लेकर जाएंगे? तुम्हारे हाथों में जो संदेश हैं, वे तुम्हें केवल अस्थाई सांत्वना ही दे सकते हैं। वो सत्य नहीं दे सकते जो जीवन देने में सक्षम है। जो शास्त्र तुम पढ़ते हो वे तुम्हारी जिह्वा को आनंदित तो कर सकते हैं, लेकिन ये वे विवेकपूर्ण वचन नहीं हैं जो तुम्हें मानव जीवन का बोध करा सके। ये वो मार्ग तो दिखा ही नहीं सकते जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाए। क्या ये भिन्नता तुम्हारे विचार मंथन का कारण नहीं है?
क्या ये तुम्हें अपने भीतर समाहित रहस्यों को समझने के लिए अनुमति नहीं देता है? क्या तुम अपने आप को परमेश्वर से मिलने के लिए स्वर्ग में ले जाने के योग्य हो? परमेश्वर के आए बिना क्या तुम अपने आप को परमेश्वर के साथ पारिवारिक आनंद मनाने के लिए स्वर्ग में ले जा सकते हो? क्या तुम अभी भी स्वप्न देख रहे हो? मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम स्वप्न देखना बंद कर दो और उनकी ओर देखो जो अभी कार्य कर रहे हैं। इन अंतिम दिनों में कौन मनुष्यों को बचाने के लिए कार्य कर रहा है? यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और कभी भी जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो मसीह के द्वारा कहे गए सत्य पर भरोसा किए बिना जीवन प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, वे पृथ्वी पर सबसे हास्यास्पद मनुष्य हैं। और जो मसीह के द्वारा लाए गए जीवन के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, वे कल्पना में ही खोए हुए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोग जो अंतिम दिनों में मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर के द्वारा तुच्छ समझे जाएंगे। इन अंतिम दिनों में मसीह मनुष्यों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का माध्यम है, जिसकी अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। मसीह के माध्यम बने बिना कोई भी परमेश्वर के द्वारा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास है और इसलिए तुम उसके वचनों को स्वीकार करो और उसके मार्गों का पालन करो। बिना सत्य को प्राप्त किए या बिना जीवन के प्रावधान को स्वीकार किए तुमको सिर्फ अनुग्रह प्राप्त करने के बारे में सोचना नहीं है। मसीह अंतिम दिनों में आता है ताकि वे सभी जो सच्चाई से उस पर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन प्रदान किया जाए। उसका कार्य पुराने युग को समाप्त करने और नए युग में प्रवेश करने के लिए है, और यही वो मार्ग है जिसे नए युग में प्रवेश करने वालों को अपनाना चाहिए। यदि तुम उसे पहचानने में असमर्थ हो और उसकी भर्त्सना करते हो, निंदा करते हो और यहां तक कि उसे पीड़ा पहुंचाते हो, तो तुम अनंत समय तक जलाए जाते रहने के लिए निर्धारित कर दिए गए हो और तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसी कारण से मसीह ही स्वयं पवित्र आत्मा और परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपना कार्य सौंपा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अंतिम दिनों में जो मसीह के द्वारा कार्य किया गया है उसे तुम स्वीकार नहीं करते हो तो तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते हो, और उसका प्रतिकार पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को सहना होगा। वो सभी के लिए स्वतः स्पष्ट है। मैं ये भी कहता हूं कि यदि तुम अंतिम दिनों में मसीह का विरोध करोगे और उसे नकारोगे
तो ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे लिए सजा भुगत ले। इसके अलावा फिर कभी तुम्हें परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि तुम अपने उद्धार की कोशिश भी करते हो तो तुम कभी भी परमेश्वर का चेहरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम जिसका विरोध करते हो वो मनुष्य नहीं है, जिसको नकार रहे हो वो नन्हा सा प्राणी नहीं है, बल्कि मसीह है। क्या तुम परिणामों के बारे में जानते हो? तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बल्कि एक बहुत ही जघन्य अपराध किया है। इसलिए मैं प्रत्येक को सलाह देता हूं कि सत्य के सामने अपने जहरीले दांत मत दिखाओ या लापरवाही से आलोचना मत करो, क्योंकि केवल सत्य ही तुमको जीवन दिला सकता है और सत्य के अलावा कुछ भी तुमको नया जन्म देने के लिए या परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए अनुमति नहीं दे सकता है।